हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जसानी क्रिएशन। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको हैंड पर्स बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए यहां मैंने वेस्ट फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। इसकी लेंथ ली है मैंने 16 इंच और विड्थ ली है 11 इंच। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक के नीचे पेपर कैनवास और नीचे अस्तर लिया है और एक फैब्रिक लिया है पॉकेट के लिए। इसकी लेंथ ली है मैंने 11 इंच और विड्थ ली है 6 इंच। इसके नीचे अस्तर लिया है, पेपर कैनवास नहीं लिया है। अब इसकी चारों ओर हम स्टिच लगा देंगे और इस मेन फैब्रिक को भी हम चारों ओर स्टिच लगा देंगे। स्टिच लग चुकी है और पॉकेट वाले पार्ट को भी चारों ओर स्टिच लग चुकी है। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को बीच में से थोड़ा बेंड करेंगे और कॉर्नर पे हमें राउंड शेप देना है। तो मैं यहाँ एक छोटा बाउल लिया है, इससे मैं राउंड शेप दूंगी और फिर हमें इस राउंड शेप को कट कर लेना है। ये राउंड शेप हमारा बन चुका है। फिर नीचे हमें जेब लगानी है, तो फैब्रिक के साथ हम जेब को स्टिच लगा देंगे और एक स्टिच हमारी लग चुकी है। अब हमें इसको थोड़ा बेंड करके टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से फैब्रिक और जिप का फिनिशिंग अच्छा आता है। अब हमें पॉकेट वाले पार्ट को भी जिप लगानी है। इस पार्ट को भी हमें एक स्टिच लग चुकी है और इसको बेंड करके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। स्टिच लग चुकी है। अब हमें इस पॉकेट वाले पार्ट को थोड़ा सा बेंड करके नीचे की ओर हमें थोड़ा बेंड करके टॉप स्टिच लगानी है। ये टॉप स्टिच लग चुकी है और ये दोनों ओर जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। ये मैंने स्टिच लगा दी है। ये हमारा एक जिपर वाला पॉकेट बन चुका है। अब ऊपर से हमें बीच में से फोल्ड करना है और बीच में हमें ऊपर से 1 इंच छोड़कर मार्क करना है। और ये मार्क किया है, यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को थोड़ा सा कट करना है, फिर बटन को यहाँ पे डालना है, फिर इसको पीछे से एक और बटन लगाना है और हाथों से इसे प्रेस कर देना है। ये बटन फिट हो चुका है। अब हमें नीचे पॉकेट वाले पार्ट को बेंड करना है और दोनों तरफ हमें स्टिच लगानी है ताकि एक पॉकेट हमारा रेडी हो जाए। ये दोनों तरफ हमने स्टिच लगा दी है, तो ये दूसरा ओपन वाला पॉकेट हमारा बन चुका है। ये जीपर वाला पॉकेट और ये ओपन वाला पॉकेट। अब हमें बटन को नीचे की ओर भी लगाना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें लगाना है। इसके लिए यहाँ मैं मार्क करूंगी ताकि नीचे सेंटर में हमारा ना पाए। और ये जो मार्क किया है यहाँ पे हमें बटन लगाना है, तो मैंने बटन लगा दिया है। अब हमें इसकी चारों ओर एक पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हम कॉर्नर पे थोड़ा सा बेंड करना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फैब्रिक है इसमें रेड कलर का हार्ट है, तो यहाँ मैंने पाइपिंग भी रेड कलर की लगाई है। मैं चाहूँ तो ब्लू कलर की भी पाइपिंग लगा सकती हूँ। आप आपके फैब्रिक के हिसाब से कोई भी कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाने से हैंड पर्स का लुक बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के 1 इंच की लेंथ लेकर मैंने पाइपिंग बनाई है। लास्ट में भी हमें थोड़ा सा बेंड करना है और फिर स्टिच लगाना है। अब हमें इसको थोड़ा सा बेंड करके इस पर भी स्टिच लगानी है ताकि पाइपिंग हमारी रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान और इजी से मैंने हैंड पर्स बनाना सिखाया है। आप इस वीडियो को देख के जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे, ये बहुत कम समय में बन जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैंने ये जो प्रेस बटन लगाया है वो ऊपर से लगाया था तो ये थोड़ा दिख रहा है, तो इसका भी तरीका है मेरे पास। इसके लिए मैंने पाइपिंग की पट्टी का वेस्ट फैब्रिक में से हार्ट कट कर लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे और हार्ट के जैसे स्टिच लगा देंगे। ये हार्ट से मैंने स्टिच लगा दी है और ये हार्ट लगाने से हैंड पर्स का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेरा हैंड पर्स बनाने का वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही इजी तरीके से मैंने सिखाया है। तो ये हैंड पर्स मेरा रेडी हो चुका है, आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसके हम कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और ये जिपर वाले पॉकेट में हम कुछ रूपीज भी रख सकते हैं और ये ओपन वाले पॉकेट में हम अपना फोन भी रख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।